हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ई लर्निंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय श्री ज्ञान मंजिर विद्यापीठ। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न संस्कृत सब्जेक्ट 7 चैप्टर सुभाषित कुसुमानी फ्लावर्स ऑफ गुड सेइंग्स। सुभाषित कुसुमानी प्रोज एक पद्य है। कुसुम मीन्स फ्लावर्स, सुभाषित मीन्स गुड सेइंग्स। जीसस सेड मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, he implements their food, water, air, etc. unnecessary for man like any living being, but he needs something more than the basic necessities. Good thoughts are as necessary for man as food. Subhashitas are good thoughts with the charm of poetry added to them. Since these thoughts are expressed or condensed in 2 or 4 lines of poetry, they can be easily committed to memory. Subhashit means Sushtu Bhashitam Subhashitam, जो अच्छी तरह से अच्छा कहा गया है, अच्छा विचार है, अच्छे जो भी थॉट्स हैं, गुड थॉट्स, उसको सुभाषितम कहते हैं। भाषितम का अर्थ ही बोलना, कुछ कहा हुआ ऐसा होता है। तो जैसे इसमें कहा कि जिस तरह से व्यक्ति फूड, वाटर, एयर, हवा, पानी, भोजन, इसके बिना नहीं रह सकता। ये हमारे शरीर के अंदर जरूरी है। इसी तरह हमारे मन के लिए, क्योंकि हम सिर्फ शरीर से नहीं जीते, सिर्फ तन से नहीं जीते, हमारे अंदर मन भी है, हमारा जो माइंड है, तो उस को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या चाहिए? गुड थॉट्स, अच्छे विचार चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, द मैन इज नथिंग बट बंडल ऑफ थॉट्स, कि मनुष्य एक विचारों का पुतला है। वो जिस तरह से विचार करता है उसी तरह से जीवन जीता है। सबसे पहले हम विचार करते हैं, बाद में कोई भी घटना घटी हुई है हमारे सामने, तो पहले हम विचार करते हैं, फिर हमारे मन में संवेदना जागती है कि इसका क्या करना चाहिए, इसको मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, फिर हमको उसको क्रियान्वित करते हैं, फिर हम जिस तरह का हमारी सोच होती है उस तरह से, अच्छी सोच होगी तो उसको हेल्प करेंगे, नहीं होगी तो हम निकल जाएंगे। तो ये सब विचार जो है, यह गुड थॉट्स है, वह हमको कहाँ से मिलते हैं? तो इस तरह के सुभाषित होते हैं। सभी भाषा में अच्छे विचार, गुड थॉट्स, सुविचार होते ही है। तो संस्कृत में जो सुविचार है, गुड थॉट्स है, उसको सुभाषित कहा जाता है। वह इंग्लिश लैंग्वेज में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, गुजराती में भी होते हैं, लेकिन संस्कृत में जो है उसको सुभाषित कहा जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग 7 सुभाषित दिए गए हैं।
जो अलग अलग विचार को प्रकट करते हैं। तो यह जो सात सुभाषित है, इन द सेवन सुभाषितास ऑफ दिस लेसन आर वैल्यू, फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ द स्पीच ऑफ गुड पीपल। सज्जन जो भी व्यक्ति है वो जो भी बोलता है उसकी वैल्यू क्या है वह बताती है फर्स्ट सुभाषित जो है। सेकंड सुभाषित यूजफुलनेस ऑफ ट्रीज, वृक्ष की उपयोगिता, वृक्ष की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है वह दूसरे सुभाषित में बताया गया है। थर्ड सुभाषित गेन ऑफ गुड क्वालिटीज, अच्छे विचार, अच्छे गुण, वर्च्यू हमारे अंदर किस तरह से आए, प्राप्त हो हमको, इसकी बात तीसरे सुभाषित में की गई है। फोर्थ सुभाषित जो है, हार्म कॉज बिकॉज ऑफ टेस्टिंग अ पर्सन। चार तरह से मनुष्य फॉर सुभाषित हार्म कॉज बिकॉज ऑफ द कंपनी ऑफ फिकल माइंड पर्सन। कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि उसका माइंड जो हो वो विवरिंग हो, वो क्या कुछ और सोचता है और करता भी कुछ और है, तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए, ऐसा फोर्थ सुभाषित में बताया गया है। फिफ्थ मीन्स ऑफ द टेस्टिंग अ पर्सन, चार तरह से व्यक्ति की परीक्षा की जाती है, किसी भी व्यक्ति की चार तरह से परीक्षा ली जाती है, तो उसके बारे में बताया गया है। सिक्स सुभाषित वर्च्यूज फिट टू बी इमिटेड ऑफ द ग्रेट मैन, अच्छे व्यक्ति में से अच्छे अच्छे गुण लेने चाहिए, तो उसके बारे में सिक्स सुभाषित में बताया गया है। सेवन सुभाषित डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ करेजियस मैन, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है यह इस सुभाषित में बताया गया है। तो इस तरह से सुभाषित कुसुमानी मीन्स फ्लावर्स ऑफ गुड साइंस, यह चैप्टर सात सुभाषित से बना हुआ है। पढ़ते हैं। फर्स्ट सुभाषित सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम असद्भिः शपथे नापि जले लिखितम अक्षरम। सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम सद्भिः तु, सद्भिः सत यानी कि गुड पीपल, बाय गुड पीपल, सद्भिः या विभक्ति जो है उसमें थर्ड विभक्ति है, इसलिए सद्भिः बाय गुड पीपल। लीलया प्रोक्तम, लीलया कैजुअली लाइटली और प्लेफुली, प्रोक्तम मीन्स सेड स्पोकन, सद्भिः बाय गुड पीपल, लीलया कैजुअली प्रोक्तम सेड।
तो फर्स्ट सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम एज टू समथिंग सेड बाय गुड पीपल, एज टू समथिंग सेड बाय गुड पीपल, एज टू समथिंग सेड बाय गुड पीपल इवन कैजुअली, एज टू समथिंग सेड बाय गुड पीपल इवन कैजुअली. सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम मीन्स एज टू समथिंग सेड बाय गुड पीपल इवन कैजुअली. सद्भिस्तु सद्भि मीन्स बाय गुड पीपल, लीलया मीन्स कैजुअली लाइटली और प्लेफुली, प्रोक्तम सेड. शिला लिखितम अक्षरम, शिला लिखितम अक्षरम भवति. इट इज लाइक अ लेटर इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉक. शिला लिखितम अक्षरम, शिलायाम लिखितम, शिला लिखितम रिटन और इंग्रेव्ड ऑन अ रॉक. शिला लिखितम, इट इज लाइक अ लेटर इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉक. सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम एज टू समथिंग सेड बाय गुड पीपल इवन कैजुअली, इट इज लाइक अ लेटर इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉक. शिला लिखितम अक्षरम, यह संधि है लिखितम अक्षरम. लिखितम प्लस अक्षरम, लिखितम प्लस अक्षरम. तो सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम अक्षरम. इट इज लाइक अ लेटर इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉक. एज टू समथिंग सेड बाय गुड पीपल इवन कैजुअली, इट इज लाइक अ लेटर inscribed on the rock. As to something said by good people even casually, it is like a letter inscribed on the rock. As to something said by good people even casually, it is like a letter inscribed on the rock. Asadbihi असद्भिहि बाय विक पीपल शपथे नापि, शपथे नापि मीन्स शपथे न उक्तम सोलमैनली और बाय ऑथ. शपथ सेड सोलमैनली और बाय ऑथ. शपथे नापि समथिंग सेड बाय विक पीपल इवन अंडर ऑथ और आफ्टर टेकिंग ऑथ. असद्भिहि शपथे नापि समथिंग सेड बाय विक्ड पीपल इवन अंडर ऑथ और आफ्टर टेकिंग ऑथ. कोई भी दुर्जन व्यक्ति है वह यदि शपथ लेकर भी, वो शपथ ले लेता है कि किसी भी कसम खा लेता है और बोलता है, फिर भी जले लिखितम अक्षरम इज लाइक अ लेटर रिटन ऑन द सर्फेस ऑफ द वॉटर. जिस तरह से पानी में हम कुछ भी लिखते हैं तो वह लिखते ही मिट जाता है, और पत्थर में कोई कुछ भी लिखा हुआ होता है तो आज भी वह हम पढ़ पाते हैं, देख सकते हैं. कितने सारे शिलालेख जिसको बोलते हैं, आप सोशल साइंस में
अशोक का शिलालेख है, तो वह उसमें उस समय इतने साल पुराना है, वह लिखा हुआ है, आज भी वह पत्थर पे लिखा हुआ। और ऐसे तो कितने सारे हमारे भारत में पुराने सब है जिस पे लिखा हुआ आज भी हम पढ़ सकते हैं, 100 साल हो, 200 साल हो, 300 साल हो। तो जो भी सज्जन व्यक्ति है वह बोलता है तो वह वो पत्थर पर लिखा हुआ है, इस तरह से वह वचन होता है। मीन्स किसी भी व्यक्ति को मार्गदर्शक विचार, थॉट्स होता है। और कोई दुर्जन व्यक्ति है वो अच्छा बोले फिर भी उसमें कुछ मार्गदर्शक नहीं होता है, इसीलिए उसके जो वचन है, उसके जो थॉट्स है, रिटन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी में लिखे हुए अक्षर की तरह होते हैं। हम कितने सारे महापुरुष, स्वामी विवेकानंद हो, APJ अब्दुल कलाम हो, और भी कोई साइंटिस्ट हो, तो उसके जो भी विचार है वह विचार हम आज भी पढ़ते हैं और उस तरह से अनुकरण करते हैं। तो वह जो विचार है वो अपने जीवन में जीते गए, और उसको जब किसी को कहने के लिए अच्छा लगा कि इसको यह कहना चाहिए तो वह बोल दिया, और वह विचार हम आज भी ऐसे ही बोल दिया, कि ऐसे नहीं कि वो ऐसा सोचते थे कि स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणि बोधत, उठो जागो और ध्येय प्राप्ति तक उसमें ही मंडे रहो। तो यह जो वाक्य है तो ऐसे ही बोले थे, ऐसे ही उसको अच्छा लगता था, इसलिए कि उसने ऐसा नहीं सोचा था कि सालों साल यह सब मेरा जो भी विचार है वह सबके पास रहेंगे, सब सोचेंगे। तो लेकिन उसका विचार ऐसा था, उसका जीवन ऐसा था, इसलिए उस विचार को हम आज तक अपने जीवन में सार्थक करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से सद्भि स्तुलिलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम एज टू समथिंग सेड बाय गुड पीपल इवन केजुअली, इट इज लाइक अ लेटर इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉक। ऑन द अदर हैंड्स समथिंग सेड बाय विक पीपल इवन अंडर ऑथ और आफ्टर टेकिंग ऑथ इज लाइक अ लेटर रिटर्न द सरफेस ऑफ द वॉटर। रिपीट 3 टाइम। एज टू समथिंग सेड बाय गुड पीपल इवन casually, it is like a letter inscribed on the rock, on the author hands, on the other hands, something said by wicked people, even under oath or after taking oath, is like a letter written on the surface of the water. As to something said by good people, even casually, it is like a letter inscribed on the rock. On the other hands, something said by wicked people, even under oath or after taking oath, is like a letter written on the surface of the water. As to something said by good people, even casually, it is like a letter inscribed on the rock. On the other hands, something said by wicked people, even under oath or after taking oath, is like a letter written on the surface of the water. As to something said by good people, even casually, it is like a letter inscribed on the rock. On the other hands, something said by wicked people, even under oath or after taking oath, is like a letter written on the surface of the water. Now, second Subhashit. Usefulness of trees.
सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः। यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः। यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः। फलच्छाया समन्वितः अ बड बिग ट्री हैविंग फ्रूट एंड शेड। फल फ्रूट छाया शेड। समन्वितः अ बिग ट्री हैविंग फ्रूट एंड शेड इज वर्थी टू बी रिसोर्टेड टू। यदि देवात् फलं नास्ति इफ बाय चांस देयर इज। यदि देवात् देवात् इफ बाय चांस फलं नास्ति देयर इज नो फ्रूट। छाया केन निवार्यते। निवार्यते वो कैन प्रिवेंट छाया वन फ्रॉम एंजॉयिंग इट्स शेड। फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः मीन्स अ बिग ट्री। फलच्छाया समन्वितः हैविंग फ्रूट एंड शेड। सेवितव्य इज वर्थी टू बी रिसोर्टेड टू। यदि देवात् इवन इफ बाय चांस फलम नास्ति देयर इज नो फ्रूट केन निवार्यते हु कैन प्रिवेंट छाया मीन्स शेड। फलच्छाया समन्वितः अ बिग ट्री हैविंग फ्रूट एंड शेड इज वर्थी टू बी रिसोर्टेड टू। यदि देवात् फलं नास्ति इवन इफ बाय चांस देयर इज नो फ्रूट हु कैन प्रिवेंट वन फ्रॉम एंजॉयिंग इट्स शेड। यूजफुलनेस ऑफ ट्रीज कि कोई भी वृक्ष है वह फल युक्त है तो उपयोगी है ही कि वह हमको फल देता है। आम का पेड़ है तो वह हमको फल देता है आम देता है हमको। लेकिन आम कब मिलता है कि जब समर हो तभी हमको आम मिलता है। तो बाकी के जो महीने हैं जब मॉनसून हो विंटर हो तब तब वो छाया तो देता ही है। उसका शेड जो है वह वहाँ पे सब बैठ के आराम करते हैं। कोई भी इस तरह से वृक्ष जगह जगह पे कोई भी रास्ते पे भी लगे हुए हो तो वो वृक्ष है तो किसी भी तरह से हमको उपयोगी है। यहाँ पे तो एक ही उदाहरण दिया है। यदि वृक्ष में फल भी न हो कुछ इतना अच्छा शेड भी छाया भी न हो फिर भी उसकी जो लकड़ी है वह लकड़ी हमको काम लगती है। उसका जो भी वुड है तो ये जो फर्नीचर जो है जो वुड है वह सब उसी की लकड़ी से बनता है। तो इस तरह से वृक्ष जो है वह हमारे जीवन का एक भाग है। इस तरह से वृक्ष ही जीवन है ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भी हम प्राण वायु ऑक्सीजन जो है जो लेते हैं जो अलग अलग वृक्ष से हमको मिलता है। पूरे दिन वृक्ष से यह प्राणवायु हमको मिलता है। यदि पर्यावरण सुरक्षित है तो हम सब भी सुरक्षित है। अभी यह जो काल था लॉकडाउन का पीरियड था उसी दौरान पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। एक तरह से भारत तो पूरा लॉकडाउन में था ही। तो
तो सभी घर में थे, कितना सारा प्रदूषण, फैक्ट्री आधे से ज़्यादा बंद थी, तो वह सब प्रदूषण जो है, जो हमारी कार बाइक एक्सेट्रा जो होता है रोड पर, तो उसका जो प्रदूषण है, कुछ भी प्रदूषण नहीं था, तो पर्यावरण सुरक्षित था और प्रदूषण सभी जगह से निकल गया, तो इससे प्रकृति ज़्यादा खिल उठी थी। तो इससे इस साल बारिश भी अच्छी हो सकती है इसके कारण। तो पर्यावरण यदि सुरक्षित है तो उससे हमको सब कुछ मिलता है, फल तो मिलता ही है। वृक्ष यदि सुरक्षित है तो उससे हमको सब कुछ मिलता है। इसलिए यहाँ पे कहा कि अ बिग ट्री हैविंग फ्रूट एंड शेड, फ्रूट है तो वह फ्रूट है, फल है, वह किसी की भूख भी संतोष देगा। वो भूखा होगा तो उसको फल भी खाने को मिलेगा, लेकिन फल नहीं होगा तो भी, फल नहीं है तो वो वृक्ष का कुछ उपयोग नहीं है, ऐसा नहीं है। वह प्राणवायु है, ऑक्सीजन देता है, उससे ज़्यादा उसका जो शेड है, उसकी जो छाया है, उसके नीचे कोई भी रह सकता है, आराम कर सकता है, उसकी हवा, शुद्ध हवा ले सकता है। तो बिग ट्री हैविंग फ्रूट एंड शेड इज वर्थी टू बी रिसोर्टेड टू, इवन इफ बाई चांस देर इज नो फ्रूट, वो कैन प्रिवेंट वन फ्रॉम एंजॉइंग इट्स शेड। रिपीट 3 times. A big tree having fruit and shade is worthy to be resorted to, even if by chance there is no fruit, who can prevent one from enjoying its shade? A big tree having fruit and shade is worthy to be resorted to, even if by chance there is no fruit, who can prevent one from enjoying its shade? A big tree having fruit and shade is worthy to be resorted to, even if by chance there is no fruit, who can prevent one from enjoying its shade? A big tree having fruit and shade is worthy to be resorted to, even if by chance there is no fruit, who can prevent one from enjoying its shade? First, as to something said by good people, even casually, it is like a letter inscribed on the rock. On the other hand, something said by wicked people, even under oath or after taking oath, is like a letter written on the surface of the water. A big tree having fruit and shade is worthy to be resorted to, even if by chance there is no fruit, who can prevent one from enjoying its shade? Now, 3rd Subhashit. Aropyate shila shaile yatnena महता यथा निपात्यते क्षणे नाद तथात्मा गुण दोषयोः आरोप्यते शिलाशैले यत्ने न महता यथा निपात्यते क्षणे नाद तथात्मा गुण दोषयोः यथा महता यत्नेन शिला शैले आरोप्यते। महता यत्नेन विथ ग्रेट एफोर्ट यथा महता यत्नेन विथ ग्रेट एफोर्ट आरोप्यते इज प्लेस्ड इज लिफ्टेड अप शिला
शैले पर्वते माउंटेन ऑन द माउंटेन शिला अ बोल्डर इज प्लेस्ड ऑन द माउंटेन विथ माइटी एफोर्ट यथा महता यत्नेन शिला शैले आरोप्यते शिला अ बोल्डर महता यत्नेन इज प्लेस्ड ऑन द माउंटेन शैले माउंटेन विथ माइटी एफोर्ट निपात्यते क्षणे नादः बट इट इज पुश डाउन इन अ मोमेंट अधः क्षणेन निपात्यते इट इज पुश्ड निपात्यते पुश डाउन क्षणेनाद इन अ मोमेंट अ बोल्डर इज प्लेस्ड ऑन द माउंटेन विथ माइटी एफोर्ट बट इट इज पुश्ड डाउन इन अ मोमेंट कल्टिवेटिंग वर्च्यूज एंड बिल्डिंग अ गुड कैरेक्टर रिक्वायर्ड ग्रेट एफोर्ट एंड लॉन्ग टाइम तथात्मा गुण दोषयो लाइकवाइज इन केस ऑफ मैथ्स सोल गोइंग अप एंड डाउन ड्यू टू वर्च्यू और वाइस सेड कल्टिवेटिंग वर्च्यूज एंड बिल्डिंग अ गुड कैरेक्टर रिक्वायर ग्रेट एफोर्ट एंड लॉन्ग टाइम द डाउनफॉल टेक्स प्लेस इन अ मोमेंट and practically requires no effort, one should be cautious forever. कि जिस तरह से पत्थर है वह पर्वत पर चढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक तरह से कितना क्रेन और वो सब ला के पत्थर को उठा के वहाँ पे कहीं पर भी ऊपर रखना हो, यहाँ पे पर्वत ऐसा कहा गया लेकिन कहीं पर भी ऊपर रखना हो तो कितना बड़ी मेहनत लगती हो और कितने प्रयत्न के साथ वहाँ पे उस पत्थर को रखा जाता है, लेकिन उसको नीचे गिराने में वह और नीचे गिरने में इतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता. क्षणेनाद इट इज़ पुश डाउन इन अ मोमेंट एक ही क्षण में वह ऊपर से नीचे आ जाता है, उसमें कुछ भी मेहनत नहीं करते, जितना ऊंचा होता है तो वहाँ से नीचे गिर जाता है. तो इसी तरह से तथात्मा गुण दोषयो, इसी तरह से हमारे आत्मा यानी कि हमारा अपना गुण और दोष होता है कि हमारे अंदर गुण अच्छे विचार वर्च्यू वह प्राप्त करने के लिए बहुत समय लग जाता है. किसी भी व्यक्ति का अच्छे गुण उसके सोच अच्छे होते सबके पास से अच्छे अच्छे गुण लेता है, लेकिन जब दोष की बात आती है आदमी बिगड़ जाता है जल्दी लेकिन सुधरने में बहुत समय लगता है. तो यही बात यहाँ पे की गई है कि जिस तरह से किसी भी शिला को पर्वत पर रखने के लिए बहुत समय लग जाता है लेकिन वह नीचे गिरने में इतना समय नहीं लगता, तो ऐसा गुण और दोष का है कि व्यक्ति है वह गुण से ऊपर उठने में बहुत समय लग गया होता है लेकिन उसमें एक भी दोष आ जाए तो एक क्षण में वह नीचे गिर जाता है. फिर सभी लोग दोष को ही देखते हैं, कोई उसके गुण को नहीं देखता कि उसने ऐसा काम किया उसके इतने सारे गुण हैं. जो उसके अंदर दोष है उससे वह एक क्षण में नीचे गिर जाता है. तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है तथात्मा गुण दोषयोः लाइकवाइज इन केस ऑफ मैन सॉल
गोइंग अप एंड डाउन ड्यू टू वर्च्यूज और वाइस. अ बोल्डर इज प्लेस्ड ऑन द माउंटेन विथ माइटी एफोर्ट बट इट इज पुश्ड डाउन इन अ मोमेंट. लाइकवाइज इन केस ऑफ मैन सोल गोइंग अप एंड डाउन ड्यू टू वर्च्यू और वाइस. अ बोल्डर इज प्लेस्ड ऑन द माउंटेन विथ माइटी एफोर्ट बट इट इज पुश्ड डाउन इन अ मोमेंट. लाइकवाइज इन केस ऑफ मैन सोल गोइंग अप एंड डाउन ड्यू टू वर्च्यू और वाइस. अ बोल्डर इज प्लेस्ड ऑन द माउंटेन विथ माइटी एफोर्ट बट इट इज पुश्ड डाउन इन अ मोमेंट. लाइकवाइज इन केस ऑफ मैन सोल गोइंग अप एंड डाउन ड्यू टू वर्च्यू और वाइस. अ बोल्डर इज प्लेस्ड ऑन द माउंटेन विथ माइटी एफोर्ट बट इट इज पुश्ड डाउन इन अ मोमेंट. लाइकवाइज इन केस ऑफ मैन सोल गोइंग अप एंड डाउन ड्यू टू वर्च्यू और वाइस. अ बोल्डर इज प्लेस्ड ऑन द माउंटेन विथ माइटी एफोर्ट बट इट इज पुश्ड डाउन इन अ मोमेंट. Likewise, in case of man's soul, going up and down due to virtue or vice. First stroke, as to something said by good people, even casually, it is like a letter inscribed on the rock. On the other hand, something said by wicked people, even under oath or after taking oath, is like a letter written on the surface of the water. A big tree having fruit and shade is worthy to be resorted to, even if by chance there is no fruit. Who can prevent one from enjoying its shade? A boulder is placed on the mountain with mighty effort, but it is pushed down in a moment. Likewise, in case of man's soul, going up and down due to virtues or vice. Next, kshane rushtah kshane tushtah. Rushtah tushtah kshane kshane avyavasthita chittasya प्रसादोपि भयंकरः. क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः. रुष्टः तुष्टः क्षणे 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 इन अ मोमेंट वन मोमेंट. रुष्टः एंग्री, तुष्टः प्लेस्ड. क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः. ही इज डिस्प्लेस्ड इन दिस मोमेंट एंड प्लेस्ड इन द नेक्स्ट मोमेंट. क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः. रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे. एक क्षण के लिए वह खुश हो जाता है और तुरंत ही वह गुस्सा हो जाता है. ऐसा व्यक्ति कोई भी राक्षस या असुर हो तो इस तरह का ही होता है. जिस तरह से आपने कथा सुनी हो तो कंस जो था, कि जब कृष्ण जन्म की बात आती है तब कंस पहले जब गया तो उसको पता चला कि देवकी जो उसकी बहन है उसके आठवें गर्भ से, कि उसका आठवीं जो संतान होगी उससे उसका विनाश है. तो जैसे ही उसने देवकी को बोल दिया कि कोई भी संतान हो तेरा तो वो मुझको सौंप देना, तो देवकी के जो पति थे वसुदेव भगवान कृष्ण के पिता, उसने बोल दिया कि जैसे ही हमारे संतान हो गए मैं आपको सौंप दूंगा. तो पहले सोचा, पहला संतान हुआ तो सौंप दिया, तो कंस ने सोचा कि इससे मेरे को कोई नुकसान नहीं है, तो वो वापस दे दिया, उसको कुछ भी करा नहीं. तो क्षणे तुष्ट प्लेस्ड वापस दे दिया,
लेकिन वापस देते ही जैसे आगे निकला तुरंत रुष्ट कि क्यों छोड़ना चाहिए, यही आठवां हो तो फिर उसको उससे पास से ले लिया और उसको मार डालता है। इस तरह से सभी संतान को वह मार डालता है। तो क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, कंस जो है एक प्रकार का राक्षस है, उसकी वृत्ति जो है वह राक्षसी है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अव्यवस्थित चित्तस्य इवन अ फेवर फ्रॉम द वन हुज माइंड इज डिरेंज्ड इज टेरिबल। अव्यवस्थित चित्तस्य हुज माइंड इज डिरेंज्ड और विम्सिकल, ऐसा जिसका अव्यवस्थित चित्त उसका मन जो है ऐसा हो, तो अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादोपि भयंकर, कि वह हमारे पर कृपा करता है तो उसकी कृपा भी भयंकर होती है। वह हमारे पर कोई उपकार करे तो उसका उपकार भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कहा कि प्रसाद अपि भयंकर, इवन अ फेवर फ्रॉम द वन हुज माइंड इज डिरेंज्ड इज टेरिबल टू बी फियर्ड, जिसका माइंड ही ऐसा है तो वह कृपा करे तो वह कृपा भी अच्छी नहीं है। कैसा कि क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, ही इज डिसप्लेस्ड इन दिस मोमेंट एंड प्लेस इन द नेक्स्ट मोमेंट इवन अ फेवर फ्रॉम द वन हुज माइंड इज डिरेंज्ड एज टेरिबल टू बी फियर्ड, ही इज डिसप्लेस्ड इन दिस मोमेंट एंड प्लेस्ड इन द नेक्स्ट मोमेंट इवन अ फेवर फ्रॉम द वन हुज माइंड इज डिरेंज्ड इज टेरिबल टू बी फियर्ड, ही इज डिसप्लेस्ड इन द मोमेंट एंड प्लेस्ड इन द नेक्स्ट मोमेंट इवन अ फेवर फ्रॉम द वन हुज माइंड इज डिरेंज्ड इज टेरिबल टू बी फियर्ड, He is displaced in this moment and placed in the next moment. Even a favor from the one whose mind is deranged is terrible to be feared. He is displaced in this moment and placed in the next moment. Even a favor from the one whose mind is deranged is terrible to be feared. First, as to something said by good people even casually, it is like a letter inscribed on the rock. On the other hand, something said by epic people even under oath or after taking oath is like a letter written on the surface of the water. A big tree having fruit and shade is worthy to be resorted to. Even if by chance there is no fruit, who can prevent one from enjoying its shade? A boulder is placed on the mountain with mighty effort, but it is pushed down in a moment. Likewise, in case of man's soul, going up and down due to virtue or vice. He is displaced in this moment and placed in the next moment. Even a favor from the one whose mind is deranged is terrible to be feared. तो आज सुभाषित कुसुमानी के यह चार श्लोक है, यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे। आज जो चार श्लोक हमने पढ़े हैं वह चार श्लोक का ट्रांसलेशन दो बार कल होमवर्क में लिख के लाना है। यह चार श्लोक जिसका ट्रांसलेशन हम पढ़े उसका दो बार होमवर्क लिख के आपको देना है। थैंक यू वेरी मच।